बीजेपी कर्नाटक में चुनाव जीतने पर पूरा जोर लगा रही है। इस बीच अमित शाह आज मध्य प्रदेश में हैं। इसी साल दरअसल मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। निशाना इसलिए साधा गया क्योंकि राहुल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद लगाए हुए हैं। एमपी में सरकार बनाने का सपना देख रही है कांग्रेस, ये कहा अमित शाह ने। एक दिन रात को मैं टीवी देख रहा था, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष और राहुल बाबा दोनों का बयान था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और बड़े विश्वास से बोल रहे थे। मैं सोचता था भाई किस आधार पर बोलते होंगे, और मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 2014 से 2018 की हमारी भारतीय जनता पार्टी की यात्रा बताना चाहता हूं। जो सेठ चल्ली के स्वप्न कांग्रेस के नेता देख रहे हैं उनको भी मैं बताने चाहता हूं, आप में दम नहीं है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का। लेकिन क्या खुद बीजेपी आश्वस्त है इस जीत को लेकर? क्या शिवराज सिंह चुनाव को मध्य प्रदेश के होने वाले चुनाव में हार का डर उन्हें सता रहा है, या फिर उन्हें डर है कि अगले चुनाव के लिए उनका चेहरा सीएम के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूं, सीएम की कुर्सी पर कोई भी बैठ सकता है। यह वीडियो पिछले दिनों झाबुआ में हुए एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है। मैं निकलना चाहूंगा, इससे एक मौका और मिलेगा, एक कुर्सी जिस पर लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर भी कोई बैठ सकता है। मैं निकलना चाहूंगा, इससे एक मौका और मिलेगा, एक कुर्सी जिस पर लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर भी कोई बैठ सकता है। अब शिवराज सिंह चौहान इस पर अपनी सफाई दे रहे हैं ट्विटर के जरिए। उन्होंने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। कार्यक्रम में मेरे लिए आरक्षित रखी गई कुर्सी को लेकर थोड़ा सा मजाक क्या कर लिया, कुछ मित्र आनंदित हो गए, यह कहना शिवराज सिंह चौहान का। आगे वो कहते हैं कि चलो मेरा आनंद व्याख्यान में जाना सफल हो गया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।